जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, अपनी कलीसिया को, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक के तुम पवित्र आत्मा ना पालो, जब तक तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाओ, जब तक के तुम मेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ तुम कहीं नहीं जाना, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, बिना मेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण हुए, अगर तुम यरूशलेम से निकल करके सेवकाई करोगे ना, असफल हो जाओगे, निराशा हाथ लगेगी और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम मेरी उपस्थिति में बैठोगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, मेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाओगे और उसके बाद तुम यरूशलेम से निकलोगे जगत की छोर तक के, तुम मेरे गवाह हो जाओगे, अपनी मिनिस्ट्री में सक्सेस हो जाओगे, अपनी मिनिस्ट्री में सफल हो जाओगे, अपने बिजनेस में सफल हो जाओगे। प्रभु बोलना क्या चाह रहा था, प्रभु बोलना क्या चाह रहा था, प्रभु बोलना चाह रहा था सेवकों से, पास्टरों से और जितने अभिषिक्त थे उनसे प्रभु बोलना चाह रहा था कि मेरे उपस्थिति की गहराई में चल, मेरे साथ गहरे में चल, गहरी उपस्थिति, गहरी उपस्थिति में चल, डीप प्रेयर में चल, डीप वर्शिप में चल, डीप स्टडी में चल, डीप चल, मेरे साथ उपस्थिति में चल, गहरे में चल, गहरे में चल। उसके बाद ही तू सेवकाई का जाल डालना, उसके बाद तू बिजनेस में जाल डालना, उसके बाद तू जॉब में डाल डालना। अगर तू किनारे पर रहेगा, तू किनारे पर रहेगा तेरी मिनिस्ट्री सफल नहीं होगी, तू किनारे पर रहेगा तेरा बिजनेस सफल नहीं होगा, तू किनारे पर रहेगा तेरा जॉब सफल नहीं होगा। अगर सक्सेस होना चाहता है तो मेरी उपस्थिति की गहराई में जा, गहरे में चल, मेरी उपस्थिति की गहरे में चल, गहरी उपस्थिति में चल तू मेरे। इसका मतलब क्या था, प्रभु बोलना क्या चाह रहा है, प्रभु क्या बोलना चाह रहा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, कैसे होगा, जब आप वचन के गहरे अध्ययन में जाएंगे, कैसे होगा जब आप गहरी प्रार्थना में जाएंगे, कैसे होगा जब आप गहरी आराधना में जाएंगे, कुल मिलाकर के ये जब आप प्रभु की गहरी उपस्थिति में जाएंगे। और एक बार जब आप डीप स्टडी में चले गए, डीप प्रेयर में चले गए, डीप वर्शिप में चले गए, अर्थात एक बार जब आप प्रभु के साथ गहरी उपस्थिति में चले गए, अब आप तैयार हैं, आप जाल डालेंगे, हजारों लाखों मनुष्यों को पकड़ लेंगे, आप जाल डालोगे और आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, आप जाल डालोगे, आप जॉब में सक्सेस हो जाओगे यीशु के नाम में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम किनारे में हैं, वचन में किनारा, प्रार्थना हमारा किनारा, आराधना किनारा, प्रभु के साथ में संगति किनारा, हम किनारे में हैं, प्रभु के साथ हैं। बिल्कुल सत्य है, प्रभु के साथ हैं लेकिन किनारे में हैं, सक्सेस नहीं है। किनारे में मत रहो, हां किनारे में हो, प्रभु है लेकिन किनारे में आश्चर्यकर्म नहीं होता, किनारे में बड़ी मिनिस्ट्री नहीं होती, बड़ी आशीष किनारे में नहीं होती, किनारे में प्रभु है आपके साथ, किनारे में मत रहो। किनारे का मतलब जानते हो क्या है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दूध मांगते हैं, 3 साल हो गया प्रभु में लेकिन आज भी दूध ही पी रहे हैं, किनारा। पौलुस कहता है अरे अब तक तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, अब तक तो तुमको सियाने हो जाना चाहिए था, कितने साल हो गए उसके बाद भी मिनिस्ट्री में स्ट्रगल है, कितने साल हो गए मिनिस्ट्री को उसके बाद भी फाइनेंस में स्ट्रगल है, उसके बाद भी मेरे प्रिय प्रभु के कई दास जो है ना वो विश्वासियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, मेरा विश्वासी तुम्हारे चर्च चला गया क्यों आने दिए, कब तक किनारे में रहेंगे हम, कब तक लड़ते रहेंगे हम। अरे जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन हम गहरी उपस्थिति में चले गए ना, ये एक दो विश्वासी के लिए लड़ाई झगड़ा बंद कर दोगे, एक बार जाल डालोगे, एक ही बार, अरे एक ही बार डालोगे, एक एक विश्वासी के लिए लड़ाई झगड़ा बंद कर दोगे। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में जब प्रभु ने बोला बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वे सेवा नहीं करना, सफल नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा, वेट किए, वेट किए, 120 लोग मिलकर के इंतजार किए, वेट किए, क्या वेट था, खुदा की उपस्थिति में बैठे और गहरे में जा रहे हैं, वचन का गहरा अध्ययन कर रहे हैं,
गहरी आराधना कर रहे हैं, प्रभु के गहरी उपस्थिति में वो जा रहे हैं, और इसके लिए उनको कई दिन लग गए, कई दिन लग गए। और उसके बाद क्या हुआ, बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि वो सब के सब मिलकर के प्रभु की गहरी उपस्थिति में चले गए थे। और जैसे ही गहरी उपस्थिति में गए, और वैसे ही पत्रस खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के पत्रस ने सुसमाचार का जाल डाला, और जैसे ही जाल डाला और जब खींचा तो 3000 मनुष्य 3000 मनुष्य एक तो विश्वासी के लिए झगड़ रहे हैं गहरे में नहीं है, अभिषेक की गहराई में नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, गर्दन तक नहीं, पूरा डूब जाओ, पूरे गहरे में चले जाओ। जब तक पत्रस किनारे में था कोई आश्चर्यकर्म नहीं था, लेकिन जब प्रभु के साथ में गहरे में चला गया, जाल डाला, आश्चर्यकर्म हो गया। अरे ये वही पत्रस था, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा है, खूब वचन सुना, भयंकर वचन सुना, भयंकर चमत्कार देखे, भयंकर आश्चर्यकर्म देखे। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा करके लेकर के गए ना, तो वो एक ग्रुप में बैठा हुआ था, आग ताप रहा था, एक लड़की बोलती है पत्रस को, तू ही था ना? नहीं, मैं नहीं था। 3.5 साल रहा प्रभु के साथ, वचन सुना, चमत्कार देखा, आश्चर्यकर्म देखा, मैं नहीं था। लेकिन जब प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ, प्रभु ने कहा गहरे में जाना, उसके पहले जाल नहीं डालना। शिमोन गहरे में जाना, तब तक जाल नहीं डालना। और जब शिमोन गहरे में गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, गहरे में चला गया, और उसके बाद में खड़ा हुआ, सुसमाचार का जाल डाला, जाल निकाला, 3000 मछलियां एक बार में, एक प्रचार। अब सुनो ध्यान से, कौन सा गहरा प्रकाशन दे दिया था पत्रस ने, नहीं कौन सा गहरा टीचिंग दे दिया था, सिर्फ इतना ही बोला था, जो पहले डर के मारे प्रभु का इंकार कर रहा था, आज वो क्या बोल रहा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को अधर्मियों के समान क्रूस पर लटका दिया, तुम लोग हो। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को जो तुमने क्रूस पर लटकाया ना, वो मारा गया, लेकिन अब कब्र में से वो तीसरे दिन जी उठा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। और अब वो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने, वो पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। और जब वो दाहिने विराजमान है, तो आज उसने पवित्र आत्मा हमको देकर हमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर लिया है। इतना ही तो बोला था, कौन सा गहरा बात बोला था, इतना ही बोला। और 3000 लोगों का हृदय छिद गया, कायल हो गए, बोले हम क्या करें, मन फिराओ, पश्चाताप करो, उद्धार पाओ, और उद्धार के बाद में पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। 3000 लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप किया, अपना जीवन खुदावन को दिया, और एक प्रचार से 3000 लोग कलीसिया में घुस गए, चर्च में घुस गए। एक प्रचार काफी है रिवाइवल लाने के लिए। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो, आपको बता दूं, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे ऐसे मैंने प्रचारकों को देखा, ऐसा भयंकर ज्ञान, पूछो अरे क्या डीप रेवलेशन है। लेकिन मैं आपको यह बात एकदम सच कहना चाहता हूं, डीप रेवलेशन से नहीं होता। आप क्या गहरे में है क्या, आप गहरे में है क्या? अगर आप गहरे में है तो सिर्फ इतना बोल दो, मन फिरा ले। हाँ, मन फिराता हूं मैं। ऐसे भी लोग हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, कोई वरदान नहीं है, लेकिन टीचिंग बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, गहरे से नहीं होता, हमारे गहरे रेवलेशन से नहीं होता, हम गहरे में है क्या इससे होता है, हम कितने गहरे में है इससे होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बात वहीं पर खत्म नहीं हुई थी, एक प्रचार और 3000, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद में सिमोन की गवाही नहीं थी, वो
आरंभ में जो पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण हुआ था, जो रीमाना खलाबारा बोलता था और जो मैंने प्रचार करता था और 3000 लोग जीत गए थे, अब वैसा नहीं हो रहा है मेरी मिनिस्ट्री में। पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो अच्छी चल रही थी मेरी मिनिस्ट्री, पहले तो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, पता नहीं अब क्या हो गया है। ऐसा गवाही नहीं था, ऐसा गवाही सिमोन का नहीं था। क्यों नहीं था? जैसे उसके बाद में जानते हो क्या लिखा, उसके बाद में लिखा प्रतिदिन, प्रतिदिन शिक्षा, संगति, प्रार्थना, बिजी हैं, गहरे में बिजी हैं। क्या लिखा उसमें मालूम है? प्रतिदिन शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जस्ट उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे इसका परिणाम था। क्या परिणाम था? कि प्रेरितों के द्वारा खुदावंत चंगाई, छुटकारा, चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म ऐसा दिखा रहा था कि लोग अचंभित हो गए थे। क्यों? क्यों? प्रतिदिन। आपको क्या लगता है आज हम गहरे में चले जाएंगे, ओह एक साल तक, एक सप्ताह तक छुट्टी, मिनिस्ट्री अच्छी चलेगी? नहीं होगा। हर दिन गहरे में जाना होगा तभी जाल डालना। हर दिन, प्रतिदिन आपको गहरे में जाना पड़ेगा। प्रतिदिन डीप प्रेयर, डीप स्टडी, डीप वर्शिप, प्रतिदिन, हर दिन, तभी आप सक्सेस हो। आप एक सप्ताह पहले पवित्र आत्मा से भरे थे और उसके बाद आप सोचो कि उसका काम आज भी होगा, नहीं हो पाएगा। उनके गहरी उपस्थिति में, गहरे उपस्थिति में मेरे प्रियो, जब वो काम करते थे तो मुर्दे जीवित हो रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, जाल डाल रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे, क्योंकि वो खुद गहरे में थे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। तीसरे अध्याय में जब हम देखते हैं सुंदर के सुंदर फाटक में एक लंगड़ा बैठा हुआ था, जो जन्म का लंगड़ा था, उसको पत्रस और यूहन्ना ने जाकर के उसको हील कर दिया। वो जन्म का लंगड़ा उठ गया और चलने फिरने लग गया। यरूशलेम में हल्ला हो गया। जो विरोधी थे, शास्त्री फरीसी लोग, वो गुस्सा हो गए। पत्रस को और यूहन्ना को जेल में डाल दिए। बोले यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम से किसी को स्वस्थ, किसी को चंगा नहीं करना। उसके बाद में कोड़े मार करके उनको छोड़ दिया। जब कोड़े मार करके उनको छोड़े तो चौथे अध्याय में लिखा हुआ है शांत नहीं बैठे। उसके बाद में क्या किया बाइबल में लिखा? उसके बाद में क्या किया? फिर से गहरी उपस्थिति में गए, फिर गहरे में गए, फिर उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने प्रार्थना किया। बाइबल कहता है जब उन्होंने प्रार्थना किया वो जगह हिल गई, वो जो जगह थी ना, वो जगह हिल गई। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, विश्वास से परिपूर्ण हो गए, वचन से परिपूर्ण हो गए, सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। उसके बाद में पांच अध्याय में लिखा फिर गए और फिर प्रचार किया, फिर मिरेकल किया और फिर चाल डाला, 2000 फिर पकड़ लिए, फिर 2000 पकड़ लिए, फिर 2000 पकड़ लिए।